मुझे जिया का एग्जाम हो गया है और जिया सेंटर से आ चुकी है और अब बारी है यहाँ से निकलने की। तो अंदर में गोसाई घर है तो जिया वहीं पर अपना पूजा करके बाहर आ रही है। आज तीज का नहाय खाए है, तो नहाय खाए में क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए चलिए माँ के पास चलते हैं। वो हमें डिटेल में बताएंगे कि आज इस दिन होता क्या क्या है। अभी बज रहे हैं जी रात के 8:40। जिया जो है अलग रूम में पढ़ाई कर रही है क्योंकि जिया का कल एक एग्जाम है। तो जिया कल जो है एग्जाम देगी और उसके बाद जो है निकलेगी कटिहार के लिए। जी हाँ, उसका एग्जाम खत्म हो जाएगा 1 बजे, फिर हम लोग जो है डायरेक्ट वहाँ से निकल जाएंगे कटिहार की तरफ है, क्योंकि जी रेतों की पहली तीज है। तो पहला तीज जो है थोड़ा धूमधाम से मनाया जाता है और लगभग हमारे सारे रिलेटिव वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो माहौल कुछ अलग ही होने वाला है। और फिलहाल अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उधर देख सकते हैं टीवी चल रहा होगा। तो हम थोड़ा सा बाहर आकर के आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अगर हम वहाँ बात करेंगे तो टीवी का भी वॉल्यूम आता रहेगा और कॉपीराइट का थोड़ा सा इशू आ जाएगा, क्योंकि और भी लोग मैच देख रहे हैं वहाँ पर, तो इसीलिए म्यूट भी नहीं कर सकते। और हमारा क्रियांश यहाँ आराम से सोया हुआ है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कुछ देर पहले जो क्रियांश ने तबाही मचाई थी, पूछिए मत, इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी, किसी से नहीं संभला, अंत में लाया गया मेरे पास। और मेरे पास जो है 1-2 मिनट तक चला तबाही, थोड़ा रोना धोना, फिर शांत हो गया पापा के गोद में। उसके बाद जो है इसका दूध लाया गया और यहाँ पी लिया और मजे में अब सो गया। तो भाई कोहली भी गया, रोहित भी गया, 3 विकेट गिर चुके हैं। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक समय तो लग रहा था कि इंडिया शायद आराम से जीत जाए, लेकिन आसान नहीं है, इंडिया के लिए भी मैच टाइट हो गया है। इधर मैच चल रहा है और इधर बाबू का अपना अलग मैच चल रहा है। ओए, क्या करना है, खोलना है इसको, खोलना है क्या इसको, हा? The next day. तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8 और हम लोग निकल रहे हैं गंगा किनारे। हाँ जी, तो हम लोग जो है जा रहे हैं गंगा किनारे और वहाँ जा करके जो है गंगा जल भरेंगे और थोड़ा सा गंगा में डुबकी भी लगा लेंगे। वैसे जिया कह रही थी कि यहाँ पर जो है गाँव में है, जब भी तीज का नहाए खाए होता है तो गंगा नदी में नहा करके ही आगे का सारा कार्यक्रम सब शुरू होता है। लेकिन हमारी कटिहार साइड ऐसा कोई भी नियम है नहीं, इन लोग हाँ वहाँ गंगा नदी है भी नहीं पास में। और हाँ जी, कल का मैच जीत गया जी भारत, और हम रात तक, बिल्कुल जी रात तक जो है हम देखते रहे। और यहाँ पर जो है खाना पीना सब हो जाता है 9 बजे के करीब ही, लेकिन हमारे चलते कि हम मैच देख रहे थे, सभी का खाना पीना काफी लेट हुआ है कल। हाँ, जिया का भाई शिवम यहाँ था नहीं, तो साथ में वो भी रहता मैच देखने के लिए। वैसे उसी से हम चैनल नंबर पूछे थे, कितने नंबर चैनल पर है जीजा जी, 821 नंबर पर है। तब हम खोल करके देखे मैच को, मजा आ गया जी, गजब का मैच था। इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस तरह के मैच के लिए जाना जाता है, ठीक वैसा ही मैच था कल। एक भी मिनट लग नहीं रहा था कि टीवी छोड़ करके उठ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जी बोरे में भर भर के मिट्टी रखा जा रहा है, पता नहीं किस लिए रखा जा रहा है, बांध पे डाला जाएगा, पानी पूरा ऊपर से बंद। अच्छा, तो पीछे जो तैयारी दिख रही है जी, जैसा कि जिया बता रही है, यह सब तैयारी है जी बाढ़ से बचने के लिए। कई बार होता है कि बांध जो है टूटने की कगार पर आ जाता है, पूरा ऊपर लेवल तक आ गया है। अच्छा, आ गया है अभी, सब बोलते हैं अभी तो हम जाएंगे तो देखेंगे। तो ऊपर आ जाएगा और कुछ और बांध को बनाया जा रहा है। अच्छा, और ऊंचा किया जा रहा है, ऊंचा किया जा रहा है मिट्टी को डाल डाल के, ताकि पानी निकले नहीं, निकलेगा और अगर बांध टूट गया किसी भी वजह से तो जो गांव देख रहे हैं जिया का वह बचेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल करीब है एकदम बांध के। कितना, 2 मिनट लगा हुआ बस, और क्या। और ये सब जितना बाग बगीचा है, पानी आने के बाद सूख जाता है, तो किसानों को बहुत ज्यादा लॉस होता है। और यहाँ का नजारा देख सकते हैं जी कितना अच्छा है, दोनों तरफ से हरा भरा है। और वहाँ पर घोड़े पर देख रहे हैं घास लेकर के चला जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं जी पहले से बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए, और देख रहे हैं आना जाना लगा हुआ है लगातार। आज बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। और पानी देख सकते हैं जी कहाँ तक आ गया है। पहले जो है हम लोग उस किनारे पर जाते थे और किनारे से हम लोग जाते थे आगे तक, वहाँ जाकर, हाँ एकदम आगे तक जाकर, यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे तक जाकर के नहाते। पानी देख सकते हैं जी एकदम बिल्कुल किनारे तक आ गया है। आप लोग को ध्यान होगा अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो वहाँ से जाते थे हम लोग लगभग 50 मीटर के करीब तो जरूर जाते थे हम लोग थोड़ा सा आगे, और वहाँ पर जा करके नहाते थे। अब जो है पानी बिल्कुल किनारे तक आ गया है। वहाँ जो इलाका देख रहे हैं जी आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, पेड़ के पीछे आपको पेड़ दिख रहा होगा, तो उस पेड़ के आसपास जो है पूरा खेत था और वो सारा डूब चुका है, और वहाँ पर हुआ करता था खेती, कितना नुकसान हुआ होगा किसानों का। कोई फसल लगाए थे वो लोग? अच्छा, लगाए थे अभी, ओके, कुछ कुछ दिख रहा। तो जिनका भी फसल लगा होगा कितना नुकसान हुआ होगा उनका। तो वहाँ पर जो आप देख रहे थे कुछ देर पहले, बोरी में मिट्टी भर भर कर तैयार किया जा रहा था, वो यहाँ पर लगाया जा रहा है किनारे पर, देख सकते हैं, ताकि यह जो बांध है इसके कटाव को रोका जा सके।
ज्यादा उधर नहीं जाइएगा। हो गया उतना जाने का। ओ भाई साहब, यहाँ इतना गड्ढा है, सोचो किनारे पर इतना गड्ढा है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा ये वाला है, नीचे का बुरा का रस्सी पकड़े हुए हैं वो। चलो एक डुबकी मार लेते हैं। जा कहाँ गए जी? One eternity later. गायब हो गए थे क्या? प्रैक्टिस कर रहे थे सांस रुकने का। तो आज से जो तीज का फंक्शन है वो शुरू हो गया है, और आज तीज का नहाय खाय है। तो नहाय खाय में क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए चलिए माँ के पास चलते हैं। वो हमें डिटेल में बताएंगे कि आज इस दिन होता क्या क्या है। हमारी माँ का पूजा समाप्त हो चुका है। अब माँ पूजा समाप्त नहीं हुआ, अभी बाल धोकर के हम लोग के यहाँ जो तीज का रीति रिवाज है, हाँ। जो आज बिना लहसुन प्याज बिना नमक का खाना खाया जाता है, तो अभी पूजा के लिए हम अपना बाल धोकर के अपने भगवान के घर में प्रवेश हो गए हैं। अपना दैनिक पूजा करते हैं, दैनिक पूजा होने के बाद हम लोग तीज का विधि विधान शुरू किया। उससे भी उतना विस्तार से मैं जान भी नहीं सके, मेरी बहन बताएगी। अच्छा, तो मतलब तीज हम लोग के यहाँ कल है, आज क्या हो रहा है? आज नहाय खाय है, आज केला का थम का मंडप बनेगा, उस पे खीर पुआ फल से 5 बार जो देवर भाई उसको जैसे कहिए, जो कि हम लोग नमाय बोलते हैं कि उसको भाई, और हमारी बहू जो है रितु वो मिल पकड़ेगी उसको 5 बार ऐसे से नमाया जाएगा। अच्छा। देवर भी, तो इसमें मेन रोल देवर और भाई का है। भाई का है। अच्छा, उसके बाद भाई बहन और देवर भाभी का यह पर्व है। अच्छा, जिसको भगवान सुहाग लगता है वही औरत वही व्रत रखती है मेरे यहाँ यही। अच्छा। वैसे तीज व्रत तो गौरी माता पहले भी रखी भोला बाबा प्राप्त करने के लिए। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ शादी के बाद ही रखा जाता है, यही नियम है। हाँ। और अब जो पूजा होगा वो आगे आप लोग देखेंगे। तो इतना धूमधाम से सिर्फ पहला तीज ही मनाया जाता है? हाँ। जब तक सुहाग अचल रहेगा, उनकी दया दृष्टि बनी रहेगी, और हम सभी संसार के सज्जन स्त्री के लिए प्रार्थना भी करते हैं सबको तीज व्रत नसीब हो। अच्छा, और तब तक हम लोग देखिए यह बृहद आयोजन है, शॉर्टकट में। अच्छा, गेस्ट लोगों को निमंत्रण भी जा चुका है, सब लोग आते ही होंगे, सब आते ही होंगे, बारी बारी से वहाँ के ब्लॉग में आप लोग देखते रहे जी। तो हमारी छोटी फुआ तो आज पहुँचने वाली है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। खबर तो सबको दिया गया है, अब देखते हैं मेरी बहू का आशीर्वाद देने कौन कौन आए। गंगा स्नान करके फैमिली जी आ गए हैं घर, और दिया भी जो है अब तैयार कर रही है सेंटर पर जाने का। दिया का तो एग्जाम का समय है, वो आ गया है नजदीक, और हमारा बाबू जो है यहाँ पर मजे में सोया हुआ है, जिसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो हो सकता है जग जाए। तो अभी बज रहे हैं जी 9:20, और हम लोग चल रहे हैं जिया के सेंटर पर। जिया को वहाँ छोड़ देते हैं, और जिया अपना एग्जाम देगी वहाँ पर, फिर उसके बाद जो है हम आ जाएंगे वापस। तो उधर है जिया, यहाँ पर पूरा साफ सफाई चल रहा है जी। पहले एक समय आपने देखा होगा पूरा बगीचा था इधर। टाइम हो गया है 9:30, कोई नहीं टाइम है तुम्हारे पास, आराम से रूम भी ढूंढना होगा, ढूंढ लेगी इनफ समय। ये देखो ये बच्चा किधर जा रहा है, डर जाएगी, डर जाएगी, घर रहे थे। तो यहाँ पर बगीचा में देख रहे हैं कई सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो चुके हैं। तो जी आप यहाँ से चली जाएगी जी सेंटर के अंदर, और हम जो है सारा सामान तैयार रखेंगे, बस सेंटर से आएगी और निकल लेंगे घर की तरफ, क्योंकि आज जिया को खाना भी नहीं है, व्रत में है। हम तो भरपेट खा करके निकलेंगे यहाँ से। आज तो है कि थोड़ा फल उल खा सकते हैं, सिर्फ नमक नहीं खा सकते, कल निर्जला है। चलिए जी, जिया को तो वहाँ पर छोड़ दिया है, अब हम सीधा चलते हैं। अभी जो माहौल देख रहा हूँ जी कि सेंटर के बाहर जो है बच्चे सब है, सभी लोग यह सब देख करके अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कई सारे बच्चे जो है चिंतित हैं, किताब को लेकर के लगातार पढ़े जा रहे हैं लास्ट टाइम तक। ऐसा ही समय जो है हमारा भी हुआ करता था, और मुझे लगता है कि मैट्रिक के एग्जाम में जो डर लगा था, वैसा डर ना इंटर के एग्जाम में लगा, ना ही वैसा ग्रेजुएशन के समय लगा। मैट्रिक के समय जो था नंबर लाने का प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद जब इंटर में आए और जब आए ग्रेजुएशन में, तो उस समय नंबर की उतनी चिंता नहीं थी। फिर भी जी जैसा था सब कुछ अच्छे से निकल गया, और घर चलते हैं, वहाँ पर हमारा खाना भी लगा हुआ है, बस हम कहें कि खाना आप लगा करके रखिए, हम आते हैं और आकर के सीधा खाएंगे। और बाकी सब जो तीज पर्व के लिए कुछ सामान सब इकट्ठा करना था, गोईठा इकट्ठा करना था, गंगा जल तो ले लिया, और गंगा की जो मिट्टी थी उसका भी इंजाम हो गया। घी लेना है, शुद्ध घी चाहिए, यहाँ पर जो भी घी मिलता है अपने गाँव में एकदम शुद्ध मिलता है, और उसे जिया की मम्मी खुद से भी निकालती है, तो बाहर से खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और वहाँ से क्या हाल समाचार? हमें देख करके भाग रही है। और आप बताइए आपका क्या हाल समाचार? आप हाई हेलो कर दो, हेलो। ये भी भाग गए, ये टिकेगी कि नहीं? अच्छा, ओहो सभी डर रहे हैं। छोड़ देते हैं सभी को, रहो मजे में, ओके बाय।
मुझे जिया का एग्जाम हो गया है और जिया सेंटर से आ चुकी है और अब बारी है यहाँ से निकलने की। तो अंदर में गोसाई घर है तो जिया वहीं पर अपना पूजा करके बाहर आ रही है। निकल गई इस गली से। चलो तो चल रहे हैं जी। वहाँ पर जो है तीज का जो भी रस्म होता है वो सब शुरू हो चुका है और कुछ कुछ रस्म को हमारे लिए रोक दिया गया है कि हम लोग वहाँ घूमेंगे, फिर उस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा। अभी एक जगह रुके हुए हैं जी, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं पेड़ा जो जिया के गांव के पास में है यार, और यहाँ का पेड़ा जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही शुद्ध होता है।